नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशी तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारी न्यूज। ग्राम पंचायत सेवन जनपद पंचायत मालथौन जिला सागर में आज भी बुंदेलखंड की परंपरा बरकरार है। आज भी बुंदेली शायरी का एवं कजलियां पूरे ग्राम में जगह जगह निकालते हैं लोग, जो की प्राचीन काल से परंपरा चली आ रही एक और नई नवेली राजस्थानी सीजी देखने को मिली, जैसे राजस्थान में हुक्का कहते हैं। लोगों द्वारा बताया गया कि हुक्का में गुड़ाखू डालकर उसको पिया जाता है। जैसे कि लोग गांजा पीते हैं, उसी तरह हुक्का को भी सभी लोग मिलकर पीते हैं। यह सब रजवाड़े की चीजें हैं। ग्राम के लंबरदार मोहन सिंह राजपूत जी अपने शौक के लिए लाए थे। उन्होंने ग्राम के सभी ग्रामीण जनों का स्वागत किया होगा गुड़ाखू से। एवं लोगों का मानना है कि कजलियां, जो कि अन्य देव का प्रतीक है, अन्य देव को साक्षी मानकर लोग अपनी बुराई दूर करने के लिए कसमतुल कजलियां का देना लेना करते हैं। बांदरी सागर से दुर्ग सिंह यादव की रिपोर्ट। परंपरा है। मेरा परिचय, मैं मोहन सिंह राजपूत। आज अपने ग्राम सेवन में कौन सा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? आज कजलियों का त्योहार है। सावन के दूसरे दिन परंपरा से मनाया जाता है। वो ही मना रहे हैं हम सब लोग, पूरे ग्रामवासी इकट्ठे होकर। और तो प्रतिवर्ष होता है, नाम से मनाते हैं। हम तुलसी राम यादव, ग्राम सेवन। आज अपने ग्राम में कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? आज हम सभी ग्रामवासी मिलकर रक्षाबंधन त्योहार के बाद परमा को कजलियों का त्योहार मनाते हैं, और सभी ग्रामवासी मिलकर मनाते हैं और प्रति वर्ष मनाते चले आ रहे हैं और मनाते चले जाएंगे। और सभी ग्रामवासियों में बड़े भाईचारे का भाव दिखता है, और इस त्यौहार को हम सभी लोग मिलकर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और मनाते जाएंगे। आज आपके ग्राम में एक प्राचीन चीज़ देखने को मिली, राजस्थानी। हाँ, वो हमारे ग्राम के मोहन सिंह राजपूत लम्बरदार जो हैं, वो हुक्का लेकर आए थे। तो हम सभी 10-20 जनों ने मिलकर उस हुक्के को बीच में रखा और उसका उपयोग भी किया। कैसा लगा आपको? हाँ, अच्छा है। वो रजवाड़े का कार्यक्रम है। वो अब ये नया नया कार्यक्रम था, इसीलिए सभी लोग उससे अनुभवी नहीं थे, तो कुछ लोग डरे उससे। आपका परिचय? मैं ग्राम पंचायत सेवन सरपंच सीताराम यादव।